क्वेश्चन है कंसीडर अ मार्को चेन ऑन स्टेट स्पेस यस इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव विद इट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन बाय ये हमें एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है नीचे में कौन सा ऑप्शन ट्रू है ये आपको बताना है अब क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये सिंगल स्टोकेस्टिक है या डबल स्टोकेस्टिक है अब सिंगल स्टोकेस्टिक चेक करने का क्या है कि इसकी अगर हम सम करते हैं ना तो हमें क्या मिलना मतलब सिंगल स्टोकेस्टिक अब हमें जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कितने

थ्री से थ्री पे तो जीरो ना, उसको छोड़ देना है तो इस तरह से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा किसका इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट होगा क्या देखिए एक ख्याल में बात आप कि यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कब एग्जिस्ट होगा आपकी ये चेन कैसी होना चाहिए इबल प्लस अपीरियोडिक होना चाहिए अब जब ये चेन आपकी इल प्लस अपीरियोडिक है देन आपका यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट होगा लेकिन देखिए आप वन से थ्री पे जा सकते हैं थ्री से वन पे आ सकते हैं वन से टू पे नहीं जा, नहीं जा सकते आप टू से वन पे आ रहे हैं लेकिन वन से टू पे नहीं जा सकते तो इसका मतलब क्या जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं तब आपकी इोड्यूसिबल चेन जो क्या होती है एग्जिस्ट होती है इोड्यूसिबल चेन एग्जिस्ट होती है लेकिन यहां पे हो रही है क्या होगी प्लस अप्रियोडिक है क्या ये हाँ ये तो है अपरियोडिक कैसे है क्योंकि ये जो आपकी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ये अपीरियोडिक है इसका मतलब ये रिड्यूसिबल ये जो चेन मिल रही है आपको ये रिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक है तो आपका यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या है रॉन्ग है क्योंकि ये क्या कर रहा है कि देर एग्जिस्ट यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता बी नंबर पे कि देर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या उधर कोई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होता इसके लिए देखिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है अब जैसे कि हम कहते हैं कि लेट एक्सेंड एन इज ग्रेटर इक्वल टू जीरोमोजीनियस मार्क चेंज विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी इफ देर एग्जिस्ट अ प्रोबेबिलिटी वेक्टर पाए सच दैट पाए पी इज इक्वल टू पी देन पाए इज कॉल्ड अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पाए को क्या बोलते हैं हम स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं अब ये concept, ये जो हमने डेफिनेशन की ये डेफिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है इसका मतलब क्या कि वहां पे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो जो आपका पी ऑप्शन ये भी गलत है अब सी ऑप्शन को देखते हैं हम सी ऑप्शन क्या कर रहा है कि ऑल स्टेट आर ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट का कंसेप्ट क्या है कि जब आपको एफ जे जे इज इक्वल टू वन मिलता है तो परसिस्टेंट मिल रहा है और जब एफजे जे लेस देन वन है तब ट्रांजिएंट है लेकिन हम एफ जे जे को किस तरह से लिखते हैं समीशन एफ जे जे पावर एन लेस देन वन तब आपका ट्रांजिएंट है अब ये तो आपको मालूम गिर गया लेकिन यहां पे देखिए ये ये जो कंसेप्ट है ना यहाँ पे अप्लाई नहीं होता इसका मतलब ये क्या है ये तो ट्रांजिएंट नहीं है इसने क्या बोला कि ऑल स्टेट आर ट्रांजिएंट ऑल स्टेट है क्या ट्रांसेंट नहीं तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ अब ऑप्शन नंबर डी देखते हमने क्या कहा कि ये जो चेन है ये कैसी है ये रिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक है जब चेन रिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक रहती है तब आपको इन्फिनिटी मिलता है इन्फिनी मिलता है इसका मतलब क्या कि देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन देयर एग्जिस्ट इन्फिनाइटली मेनी स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन